चलिए अभी सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो महाराष्ट्र के वर्धा से सामने आ रही है। वर्धा से लौट रहे मेडिकल छात्रों की कार नदी के अंदर गिर गई और इसी के चलते हुए लगभग लगभग 7 लोगों की इसमें मौत होती हुई भी सामने आ रही है। इसके अंतर्गत एक बीजेपी के विधायक का बेटा भी सामने आया है जिनकी मौत हो चुकी है और यह पूरा मामला अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र के वर्धा का बताया जा रहा है। यह पूरा मामला कल रात्रि का है जहां पर देर रात्रि के समय वह वापस लौट रहे थे और वापस लौटते समय यह हादसा हुआ है। एक बर्थडे पार्टी के अंतर्गत यह गए हुए थे और जब ये बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे उस समय यह पूरा हादसा हुआ है जब अनियंत्रित होकर के SUV गाड़ी नदी के अंतर्गत जाकर के गिर गई। इस पूरे मामले के अंतर्गत कौन कौन गाड़ी के अंतर्गत शामिल था, किस किस की मौत हुई है, कौन बच पाया है और साथ ही इस हादसे का सबसे बड़ा कारण क्या कुछ नजर आया है, सीधा आप सभी को हम दिखाएंगे इस रिपोर्ट के अंदर। महाराष्ट्र में वर्धा में सोमवार की देर शाम भीषण दुर्घटना में मेडिकल के 7 छात्रों की मौत हो चुकी है। मृतकों के अंदर भाजपा विधायक विजय रहांगदाले के बेटे आविष्कार रंगदाले भी शामिल हैं। दुर्घटना सेलसुरा के पास एक पुल पर हुई है। 7 छात्र एक कार के अंदर सवार थे और खाना खाकर के ढाबे से लौट रहे थे। ब्रिज पर कार के आते ही वह अनियंत्रित हो गए और ब्रिज के एक हिस्से को तोड़ते हुए 40 फीट गहरी नदी के अंदर गिर पड़े। SP वर्धा प्रशांत होलकर ने बताया कि दुर्घटना के बारे में स्थानीय नागरिकों ने देर रात को बताया। इसके बाद में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू भी शुरू कर दिया। सभी मृतकों की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। तो छात्र वर्धा जिले के सांगवी मेघे मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। हादसे में मृत हुए छात्रों के नाम आविष्कार रंगदाले, नितेश सिंह, विवेक नंदन, प्रत्युष सिंह, शुभम जायसवाल, पवन शक्ति और एक अन्य की पहचान अभी नहीं हो पाई है। 7 छात्रों में से एक इंटर्न भी था। फाइनल ईयर के 2 छात्र थे और सेकेंड ईयर MBBS के 2 छात्र थे। SUV को नीरज सिंह नाम का छात्र चला रहा था। वहीं बातचीत करें हम इस मामले की तो 10 बजे तक नहीं लौटे तो परिजनों ने इसकी जानकारी दी और हादसे में मरने वाले सभी छात्र हॉस्टल में रह रहे थे। हॉस्टल में रात 10 बजे अटेंडेंस ली जाती है। इनके हॉस्टल में नहीं मिलने पर वार्डन ने परिजनों को इसकी जानकारी फ़ोन पर दी। एक परिजन ने वार्डन को बताया कि वे बर्थडे पार्टी में गए हैं। देर रात तक छात्रों के हॉस्टल में नहीं आने से उनके सीनियर्स भी परेशान थे। आखिरकार मंगलवार तड़के यानी कि आज सुबह छात्रों को उनके आकस्मिक मौत की खबर जब सामने आई तो उनके परिजनों को इसकी खबर दी गई और पूरे मामले की जांच अभी की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस पर दुख भी जताया। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।